हेलो, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं कॉटन बायोलॉजी। आज के इस एक्सक्लूसिव एपिसोड में हम लोग बात कर रहे हैं ICMR के सेक्शन ए के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टेटिस्टिक्स के बारे में, जिससे तकरीबन 10 से 18 क्वेश्चंस हर साल आते हैं सेक्शन ए में। इसका मतलब है कि 20-35% सेक्शन ए का ये कवर करता है आपका स्टेटिस्टिक्स। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें किस किस तरह के सवाल आते हैं इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, और आपको कौन सा इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें पढ़ लेनी चाहिए एग्ज़ाम में जाने से पहले, उस विषय पर चर्चा करेंगे। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अवेलेबल है तो आप मिला सकते हैं कि 2018 में इससे 18 क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन नंबर 34 से क्वेश्चन नंबर 50 तक के सारे क्वेश्चन ICMR के सेक्शन ए में स्टेटिस्टिक्स का था। वही अगर 2019 की बात करें हम लोग, तो इससे 10 क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 30 तक का जितना भी क्वेश्चन था वो इसी से रिलेटेड थे। तो हम कह सकते हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बिना सेक्शन ए को कंप्लीट करना काफ़ी मुश्किल भरा होगा, क्योंकि ICMR में सेक्शन ए और सेक्शन बी में दोनों में 55% होना ज़रूरी है। अगर इससे कम किसी एक में भी होता है तो उसका रिजल्ट नहीं दिया जा सकता। तो चलिए आज इसी पे हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि कौन कौन सा टॉपिक आपको स्टेटिस्टिक्स में पढ़ लेना चाहिए, क्या इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। स्टेटिस्टिक्स में आपको दो चीज़ें पढ़नी है, एक तो डिस्क्रिप्टिव, दूसरा इन्फ्रेंशियल। डिस्क्रिप्टिव में आप क्या पढ़ेंगे, मीन, मीडियन एंड मोड, और फिर आप मीन में भी तीन पढ़ें, अर्थमेटिक मीन जियोमेट्रिक मीन और तीसरा हार्मोनिक मीन। इस तीनों को कवर कर लें। इसके बाद आपको क्या इम्पोर्टेंट है, सिमेट्री एंड एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये पढ़ लें। इसके बाद आप पढ़ें मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी में आप पढ़ लें रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, फिर आप पढ़ लें वेरिएंस, फिर आप पढ़ लें स्टैंडर्ड डेविएशन। ये चीज़ें कर लेने के बाद आप पढ़ें शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आप दो चीज़ पढ़ें, एक स्क्यूनेस और दूसरा क्यूटोसिस। इसके बाद आप पढ़ें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बाद आप पढ़ें हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, अब आपका शुरू होता है यहाँ से इन्फेरेंशियल स्टैटिक्स। यहाँ तक डिस्क्रिप्टिव था, इसके बाद यहाँ से शुरू होगा इन्फेरेंशियल स्टैटिक्स। इसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आप क्या पढ़ेंगे, नल हाइपोथेसिस एंड रिसर्च हाइपोथेसिस। इसके बाद आप पढ़ें प्रोबेबिलिटी वैल्यू एंड टाइप ऑफ एरर। इसके बाद आप पढ़ें इफेक्ट साइज एंड स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। इसके बाद आप पढ़ें डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, और सबसे अंतिम में आपको पढ़ना है
टेस्टिंग प्रोसीड्यूर। इन चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लें। इन चीज़ों को अच्छे से कर लेने के बाद एक टॉपिक आपका जो रह जाएगा वो होगा स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। टेक्निक्स में इम्पोर्टेंट जो है आपका वो क्या है, कोरिलेशन एनालिसिस, दूसरा मल्टीपल रिग्रेशन, तीसरा टी टेस्ट, चौथा एनालिसिस वेरिएंस। और इसमें है काय स्क्वायर टेस्ट। ये टेक्निक्स में आप इतना 5 टेक्निक्स 1 2 3 4 और ये 5, पांचों टेक्निक्स को अच्छे से कर लें। इसके बाद आपका रह जाएगा पी वैल्यू और एनोवा टेक्निक्स। इनको भी अगर समय मिले तो ज़रूर देख लें। अगर इतना आप कवर कर लेते हैं, ICMR में आपके 10 से 15 क्वेश्चन एकदम कंफर्म हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ICMR में। अभी आपके पास पूरा नवंबर का महीना है, आज 11 तारीख हो गया, मतलब आपके पास 1 2 3 वीक है। 3 वीक में, 4 दिसंबर को एग्ज़ाम है, 3 वीक में आप सारा चीज़ कवर कर सकते हैं। इसके अलावा और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो भी मैं इस कंटिन्यूस लेक्चर में आगे बताऊँगा, दूसरे लेक्चर में, कि क्या क्या पढ़ना है। अभी के लिए हम लोग स्टैटिक्स की ही बात करते हैं, तो इसको आप कवर कर सकते हैं। और चलिए अब हम आपको थोड़ा ओवरव्यू बता देते हैं। जैसे कि सेंट्रल टेंडेंसी है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, मीन, मीडियन और मोड। तो मीन किसको कहते हैं हम लोग, ये एक एवरेज वैल्यू है, उसको हम लोग मीन कहते हैं। जैसे कि आपके पास मान लीजिए कि 4 टर्म है, 4, 5, 6 और 5 है, 4 वैल्यू है। तो इस चारों का अगर हम लोग मीन निकालना चाहें तो क्या करेंगे, 4 + 5 + 6 + 5 / 4 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये हो गया मीन। अब इसका अगर हम लोग मीडियन निकालना चाहें तो मीडियन क्या होता है, मिडिल वैल्यू। तो इसको हम लोग पहले अरेंज करेंगे, तो कैसे लिखेंगे, 4 5 5 6। तो इसमें इवन नंबर है, हो सकता है कि अगर हम दिए रहते हैं आपको 4 5 5 6 7, तो इसमें ऑड नंबर है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि मिडिल वैल्यू निकालते हैं, 2 इधर से 2 इधर से, तो ये हो जाता है इसका मीडियन। इस केस में इसका मीडियन, ये दोनों ही मिडिल वैल्यू होगा, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि दोनों को जोड़ लेते हैं और उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, मीडियन इसका यही होगा। अब मोड की अगर बात करें तो मोड क्या है, रिपीटिंग नंबर को हम लोग इसमें डिनोट करते हैं। तो इस केस को अगर हम लोग यहाँ लें तो 4 5 5 6 है, तो इसमें मोड कौन सा होगा, जिसका ज़्यादा नंबर रिपीटेशन का होगा, यानी कि 5, तो इसका मोड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये 3 चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन डायरेक्ट मोड मीडियन का नहीं आता, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है उसके कॉन्सेप्ट का, हम लोग आगे चर्चा करेंगे किस तरह का क्वेश्चन है इसमें। तो मीन हो गया उसका एवरेज वैल्यू, जिसमें 3 तरह का मीन हम लोग देखेंगे, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। इसके बाद मीडियन हो गया उसका मिडिल टर्म, ये सबको इंक्लूड नहीं करता, बस मिडिल टर्म है। इसके बाद आएगा क्या आपका मोड, मोड में रिपीटिंग नंबर किसका ज़्यादा है वो हम लोग यहाँ देखते हैं। अब कॉन्सेप्ट के आधार पर कुछ बातें, अगर 3 तरह का सेंट्रल टेंडेंसी है तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग सेंट्रल टेंडेंसी का इस्तेमाल किया जाता होगा। जैसे कि मान लीजिए कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है पूरी तरह से, तो इसमें किसी भी मेजरमेंट को हम लोग ले सकते हैं, मीन ले सकते हैं, मीडियन ले सकते हैं, मोड ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर केस में हम लोग मीन का इस्तेमाल सबसे बेस्ट मानते हैं, क्योंकि मीन एक ऐसा सेंट्रल टेंडेंसी है जिसमें हम लोग हर एक टर्म को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सबको हम लोग पहले जोड़ते हैं, इसके बाद नंबर ऑफ टर्म से हम लोग डिवाइड करते हैं, इसीलिए मीन को हम लोग बेहतर मानते हैं। अब अगर स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन है,
अब आगे लेक्चर अगर बनाएंगे हम तो उसमें बताएंगे कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मतलब कि ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। सिंपल समझिए कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये है, अगर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इधर तो ऐसा हो जाएगा, इधर तो ये ऐसा हो जाएगा, मतलब ये सिमेट्रिकल नहीं है। तो इस केस में हम लोग मीन नहीं लेते हैं, मीडियन लेते हैं, क्योंकि वो एक वैल्यू है जो मिडिल का वैल्यू को दर्शाता है। तो उस केस में हम लोग मीडियन का इस्तेमाल करते हैं। अब मान लीजिए कि ओरिजिनल डाटा दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग मीडियन और मोड दोनों ही निकाल सकते हैं, वो बेस्ट होता है उसके लिए। और अगर मान लीजिए कैटेगराइज्ड डाटा दिया हुआ है, तो उस केस में मोड ही आपका बेस्ट चॉइस होगा सेंट्रल टेंडेंसी मापने के लिए। तो ये अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग जगहों पर मीन, मीडियन और मोड का इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से रहता है कि किस सिचुएशन में किस तरह का हम लोग वैल्यू को लेना चाहिए, इस बेस पर कॉन्सेप्ट क्वेश्चन रहता है। अब तीनों में जरा ब्रीफ कर लें हम लोग, मीन, मीडियन और मोड। मीन क्या है? एवरेज वैल्यू है, जो कि उसका सम को डिवाइड करते हैं हम लोग किससे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। मीडियन क्या है? एक सेंट्रल वैल्यू है, इसमें कोई सम नहीं होता, बस एक सेंट्रल वैल्यू है। मोड क्या है? रिपीटेटिव वैल्यू है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ दिखाया 2, 2, 3, 4, 5 है, इसमें मीन क्या होगा, सबको जोड़ेंगे और जितना टर्म है उससे डिवाइड करेंगे तो 3.2 आया। मीडियन की बात करें तो इसमें 3 आया, क्योंकि इधर से दो, बीच में 3 है। इसके बाद मोड का बात करें तो रिपीटिंग संख्या बस दो ही है जो दो बार रिपीट हुआ है, तो 2 हो जाएगा इसका मोड हो जाएगा। अब इन तीनों में क्या रिलेशन है, क्या कोई रिलेशन इसमें दिखा सकते हैं? तो ज़रूर दिखा सकते हैं। मीन को अगर मोड से हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो 3 × मीन − मीडियन होता है। इसको याद रखिए, इससे ICMR या किसी भी एग्ज़ाम में अगर कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आएगा तो इससे क्वेश्चन आता है। 2018 में इससे क्वेश्चन आया था, उसमें मीन और मोड दिया रहता है तो उसमें मीडियन निकालना होता है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अब एक क्वेश्चन है, द मीन एंड मीडियन ऑफ डाटा सेट। अब एक क्वेश्चन है, द मीन एंड मीडियन ऑफ डाटा सेट आर 24 और 22। ये क्वेश्चन है आपका 2018 का। तो इसमें कहा है कि मोड निकालिए, मोड ऑफ डाटा सेट क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं। यहाँ देखिए, ये आपका फॉर्मूला है, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन − मीडियन। तो उसको लिखिए, फॉर्मूला है मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन − मीडियन, जो कि हम लोगों ने अभी देखा है। तो हम लोगों को क्या निकालना है, इसमें मोड निकालना है। इस मोड को अगर हम लोग अलग करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो क्या हम लोग लिखेंगे, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन − 3 मीडियन। अब जो है हमें मोड निकालना है, तो मोड को एक साइड कर लेंगे, तो मोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीन माइनस 3 मीन + 3 मीडियन। तो क्या हो जाएगा, 3 मीडियन − 2 मीन। और ये क्या हो जाएगा आपका वैल्यू अगर रखेंगे, तो 3 मीडियन क्या हो गया, 3 × मीडियन कितना है, 22, और माइनस 2 × 24 ये हो जाएगा 66 − 48 = 18। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस ICMR में आते हैं, तो आपको वो रिलेशन याद रखना है। अब अगर मीन की बात करें, तो हमने बताया था कि तीन तरह के मीन, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, नॉर्मल जो हम लोग मीन बात करते हैं, सम बाय नंबर, टोटल नंबर। ज्योमेट्रिक मीन किसको कहते हैं हम लोग, अगर मान लीजिए कि दो है, ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो क्या होगा, ए इंटू बी
अंडर रूट होगा। अगर मान लीजिए कि यही नंबर 3 है, यानी कि ए बी सी है, तो होता है क्या, ए इंटू बी इंटू सी अंडर रूट 3 का होता है ये, मतलब कि इसका प्रोडक्ट का एंथ रूट होता है। ये जितना नंबर होगा उतना यहाँ पे वैल्यू रूट के जगह पे आ जाएगा। हार्मोनिक मीन क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन। इसमें क्या होता है, हार्मोनिक मीन में हम लोग निकालते हैं एन नंबर ऊपर हो जाता है, वन बाय ए, वन बाय बी, वन बाय सी, इसी तरह होगा एन तक जाएगा, वन बाय एन, तो इस तरह का वैल्यू इसमें होगा। और ये हो गया हार्मोनिक मीन। तीनों का रिलेशन कैसे दिखाएंगे हम लोग, तो एक टर्म लेते हैं हम लोग, ए और बी लेते हैं, दो संख्याएं ए और बी, इसमें हम लोग रिलेशन देखते हैं। तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, ए एम बराबर होगा ए प्लस बी बाई टू, और यही इसका जियोमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, ए इंटू बी अंडर रूट, और इसका हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, एन बाय, यानी कि एन क्या है इसमें, टू है, दो ही नंबर है, तो टू बाय वन बाय ए प्लस वन बाय बी। अब इस फॉर्मूले में जरा इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एच एम हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू टू बाय, इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बाय ए बी। अभी यहाँ पे हम लोग ए बी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो सिंप्लीफाई क्या होगा, टू ए बी बाय ए प्लस बी। अब इस ए बी और ए प्लस बी में हम लोग ज़रा वैल्यू रखते हैं, यहाँ से ए प्लस बी का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे और ए बी का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, अगर वैल्यू रखेंगे तो टू इंटू ए बी का वैल्यू रखेंगे हम लोग यहाँ से, तो ये हो जाएगा जी एम का स्क्वायर रूट, इधर आएगा तो जी एम का स्क्वायर बटे ए प्लस बी का वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे हम लोग इस अर्थमेटिक मीन से, तो ए प्लस बी बराबर टू ए एम हो जाएगा, यानी कि टू इंटू अर्थमेटिक मीन। तो ये टू टू कैंसिल होगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जी एम स्क्वायर बाय ए एम, ये हो गया एच एम बराबर हार्मोनिक मीन। तो नॉर्मली इसको अगर हम लोग सिंपल शब्दों में लिखें तो इसको हम लोग इस तरफ कर लें, तो जी एम बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच एम इंटू ए एम, ये हो गया, यही रिलेशन है इसका, सिंपल यही भी रिलेशन रखते हैं, एच एम हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर बाय ए एम, या इसको सिंपल करके लिख सकते हैं जी एम बराबर अंडर रूट एच एम इंटू ए एम, ये इसका रिलेशन है तीनों का। कभी कभी हो सकता है कि हार्मोनिक मीन दिया हो, जियोमेट्रिक मीन निकालना हो, तो इस तरह के कंडीशन में आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए एक दो क्वेश्चन बना लेते हैं, इसके बाद हम लोग लेक्चर को यहाँ कंप्लीट करेंगे। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्शन व्हेन द डाटा आर कंटामिनेटेड बाय आउटलेयर। आउटलेयर क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम रेंज जो होता है, तो कहता है कि आपका आउटलेयर कंटामिनेटेड है, मतलब कि मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज में छेड़छाड़ हुई है, तो ऐसा कौन सा वैल्यू है जो आपको लेना चाहिए। तो हम लोग ये भी समझते हैं कि ऐसा कौन सा वैल्यू है जो नहीं लेना चाहिए, कौन सा आउटलेयर के चेंज होने से चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था मीन, मीडियन और मोड में, कि मीन जो है उसमें हर एक वैल्यू का इस्तेमाल होता है, सबको हम लोग जोड़ते हैं और फिर उसको नंबर से डिवाइड करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे हमारे पास एक वैल्यू है 3, 4, 5, तो अगर हम लोग मीन निकालेंगे तो क्या होगा, इन तीनों को जोड़ेंगे 3 + 4 + 5 और 3 से डिवाइड कर देंगे। अगर मान लीजिए हमने इसमें आउटलेयर जोड़ दिया, क्योंकि क्वेश्चन यही कहता है कि आउटलेयर कंटामिनेटेड है, तो मान लीजिए कि अब हमने इसमें क्या किया कि 2, 3, 4, 5, 6 हमने एक एक आउटलेयर दोनों तरफ जोड़ दिया। अब जो इसका मीन होगा वो चेंज हो जाएगा इसको जोड़ के, और फिर हम लोगों को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वैल्यू इसका ऑब्वियसली चेंज होगा। लेकिन अब अगर हम लोग बात करें मीडियन का, तो क्या होगा, पहले का मीडियन क्या होगा, 3, 4, 5 है, तो इसका मीडियन है ये मिडिल वैल्यू, अब है 2, 3, 4, 5, 6, इसमें भी 2 इधर 2 इधर, इसका भी मीडियन क्या है, 4 है, इसमें देखिए मीडियन चेंज नहीं होता है, नहीं हो रहा है, तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा, मीडियन होगा, लेकिन इसमें मीडियन का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, मीन तो ऑब्वियसली नहीं होगा, ये तो हम लोग जान गए।
लेकिन मीडियन नहीं है। तो मीडियन के जगह पर एक और वैल्यू आता है सेंट्रल टेंडेंसी में, जब हम लोग बाद में पढ़ेंगे क्वार्टाइल डेविएशन, इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। जब आगे लेक्चर में बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि किस तरह से क्वार्टाइल डेविएशन का इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन पे आइए कि मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर, ये सेम क्वेश्चन है बट इसमें ऑप्शन डिफरेंट हैं, इसमें मीडियन है। इसका आंसर क्या है? मीडियन ही है। मीडियन आउटलेयर के कंटामिनेशन होने से फर्क नहीं पड़ता, उसका वैल्यू एक जैसा ही रहेगा। लेकिन जितना मीन का वैल्यू, अर्थमेटिक मीन चेंज होगा, जियोमेट्रिक मीन चेंज होगा, मोड भी चेंज हो सकता है। अगर एक ही टर्म को, अगर मान लीजिए हम 4-4 यहाँ कर देते या यहाँ पे 5 कर देते, तो इसका मोड जो है वो चेंज हो जाता। दो बार 5 आएगा तो मोड 5 हो जाएगा, दो बार 4 होगा तो मोड 4 हो जाएगा। इस वजह से इस कंडीशन में अगर आउटलेयर कंटेमिनेटेड हो तो उसका बेस्ट जो वैल्यू होता है, आइदर तो हम लोग मीडियन निकाल लें या डेविएशन में हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन निकाल लें। एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जियोमेट्रिक मीन को कैसे निकालते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन है, 3, 4 और 18 है, इसका जियोमेट्रिक मीन क्या होगा? तो सबसे पहले कि यहाँ 3 टर्म है, यानी कि इसका रूट का वैल्यू 3 होगा। एंथ रूट हमने कहा था, प्रोडक्ट ऑफ एंथ रूट, 3 × 4 × 18, और यहाँ पे रूट के अंदर 3 होगा क्योंकि यहाँ 3 वैल्यू है। इसको फिर से लिखिए, 3 × 4 × 6 × 3, थोड़ा इसको और तोड़ते हैं, 3 × 2 × 2 × 3 × 2 × 3, 6, 4, 3, 3, सेम है। तो इसमें से चूंकि यहाँ पे वैल्यू 3 है, तो अगर इसको बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, 1, 3, और यहाँ पे 3, 3, 3, तो 3 × 2 यानी कि 6। तो इसका क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन 6 होगा। इसका आंसर ये वाला होगा। तो कुछ फार्मूला याद रखना है या कुछ कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। आई होप कि आपको इससे मदद मिलेगी, और आगे का लेक्चर मैं बनाऊंगा तो और सारी चीज़ें भी मैं बताऊंगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे स्पेशल लेक्चर को तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको पता है, कोड एंड बायोलॉजी का 9471455844। आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर स्पेशल क्लास ज्वाइन करना है या ISMR का कोर्स ज्वाइन करना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।